नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहताज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, साइंस के जो लाइव सेशन लिए जा रहे हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, एक लेक्चर पहले, एक सेशन पहले हो चुका है, ये डाइजेशन का दूसरा सेशन है। इसमें 15 अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे लैब असिस्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, सभी एग्ज़ाम के पर्पस के हिसाब से ये सीरीज़ आपके लिए अच्छी लाभदायक साबित होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, और थोड़ी देर में हम शुरू करने वाले हैं। पहले मेरी वॉइस क्लियर आ रही नहीं, कमेंट करके बता दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, बताइए। राकेश गुड इवनिंग, वॉइस क्लियर है ना मेरी? थोड़ी देर में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो सकें। और हम थोड़ी देर में, पाचन तंत्र आपको दिख रहा है ना, इसका सेशन हम शुरू करने वाले हैं। चलिए, मनीष गरासिया, जीवन मेघवाल, राकेश रावत जुड़ गए हैं, वेरी गुड। जल्दी से आप जुड़ जाइए, सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। निम्न में से कौन पाचन तंत्र से संबंधित एक सामान्य विकार, यानी कि कॉमन डिजीज नहीं है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन एक कॉमन डिजीज नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डायरिया, सेकंड ऑप्शन है जॉन्डिस, सी ऑप्शन है डिसेंट्री या दस्त, या फिर डी टिटनस, है ना, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, इसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पाचन तंत्र से संबंधित कौन सी डिजीज नहीं है, कौन सा विकार नहीं है, आपको बताना है ना। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज नहीं है ना, बताइए जल्दी से। राकेश का कमेंट आ गया, राकेश डी बता रहे हैं, टिटनेस बोल रहे हैं। जीवन मेघवाल डी बता रहे हैं, मनीष गरासिया डी बोल रहे हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइए आप, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने स्टेटस पे, और जो भी ग्रुप्स हैं आप वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं। देखिए, डायरिया फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, डायरिया है ना। डायरिया क्या होता है? डायरिया का मतलब ये होता है कि जो अपने बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन में जो फूड है उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, वो डाइल्यूट रह गया है ना, कि उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसको अपन बोल रहे हैं डायरिया, ठीक है। पूरी तरह एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो ये तो डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड ही हो गया, ठीक है। जॉन्डिस क्या होगा? पीलिया बोलते हैं। पीलिया क्या होता है? जो लीवर जो होता है बाइल जूस सिक्रिट करता है ना, लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस सिक्रिट करता है। इस बाइल जूस में होता है बिल रूबिन, क्या होता है? बिल रूबिन, ठीक है। अब इस बिल रूबिन की मात्रा क्या होती है जब ब्लड में बढ़ जाती है, ये होता है येलो कलर का, तो ब्लड में येलो कलर बढ़ जाएगा और स्किन का कलर, नेल्स में है ना कलर जो कैसा हो जाएगा, येलोइश, तो इसको बोलते हैं जॉन्डिस। तो ये भी डाइजेशन से रिलेटेड हो गया। फिर देखते हैं डाइसेंट्री, दस्त है ना, डायरिया जैसे ही होता है, इसमें भी क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है और ब्लीडिंग भी होती है ना, कुछ अमाउंट में ब्लड भी बाहर आता है, और वायरस या फिर ये इन्फेक्टेड फूड खाने की वजह से हो सकता है ना, छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है ये डायसेंट्री। फिर देखिए टिटनस, टिटनस क्या होता है? मसल्स, जो अपनी मसल्स होती है, मसल्स में स्पैज मोच आते जैसे आ जाती है ना, वैसे स्पाज्म आते हैं ना,
मसल्स में जो स्पाज्म आते हैं उसकी कारण टिटनेस होता है ना, तो ये डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, है ना, सबका राइट है ऑलमोस्ट, वेरी गुड, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। देखिए आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आपको बताना है एक ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित नहीं है ना, ये अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनालिस, है ना, ऐसी ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं है, पेनक्रियाज, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स या एड्रिनल, है ना, आपको बताना है जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड नहीं है, पेनक्रियाज, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, एड्रिनल, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, उमा कुमारी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से आप जुड़ जाइए और आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, येलोइश नेल हो जाता है जॉन्डिस में, बताइए। सेकंड का आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है, ग्लैंड दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री केनाल, है ना, ऐसी ग्लैंड जो एलिमेंट्री केनाल से एसोसिएटेड नहीं है, उसका नाम आपको बताना है। उमा कुमारी सेकंड का डी बता रहे हैं, मनीष घरासिया डी बोल रहे हैं, राकेश रावत भी डी बता रहे हैं, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट भी बताते जाएं, कमेंट करते जाएं जल्दी से। वॉइस कम आ रही है क्या मेरी? हेलो, अभी शायद प्रॉपर हो गई, माइक थोड़ा दूर था, बताइए कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। अभी अभी शायद प्रॉपर हो गई है ना, माइक थोड़ा सा दूर था इसलिए मैंने एडजस्ट किया वापस, बताइए अभी क्लियर होगी शायद, आई थिंक अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या, कमेंट करके बताइए, या फिर आपकी मोबाइल की लो होगी, चेक करिए। तबस्सुम डी बता रहे हैं सेकंड का, वॉइस क्लियर है क्या एक बार बताइए, ओके नाउ क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको बताना है एक ग्रंथि है ना, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड नहीं है ना, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड नहीं है, पेनक्रियाज, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स या एड्रिनल ग्लैंड, है ना, चलिए देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल सिंपल सी डेफिनेशन है, माउथ से लगाकर एक ऐसी पाइप है जो माउथ से लगाकर एनस तक होती है ना, सिंपल पाइप है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक होती है, ठीक है। अब इस पाइप के बीच में जितनी भी जो ग्लैंड्स आती है वो भी इसका पार्ट होगी, ठीक है, जैसे अपने बकल कैविटी में जो ग्लैंड आ रही है, या स्टोमक में जो है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे इसके पार्ट ही होंगे, तो इसमें जो ग्लैंड आ रही है वो भी इसका पार्ट होगी, और एसोसिएट जो ग्लैंड होती है ना, वो इसका प्रॉपर पार्ट नहीं होती, बट एसोसिएट जैसा। अब यहाँ पे यही पूछा है ना, एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताना जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, एसोसिएट नहीं है ना। अब देखो पेनक्रियाज जो होता है वो प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल का भाग तो नहीं है, बट एसोसिएशन तो करता ही है, क्योंकि पेनक्रियाज पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये तो सही बात है। लीवर, लीवर भी प्रॉपर इसका पार्ट तो नहीं है, बट लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है ना, बाइल जूस सिक्रेट सिक्रीशन से डाइजेशन में हेल्प होती है, तो ये भी एसोसिएशन में हेल्प कर ही रहा। फिर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड भी प्रॉपर इसका पार्ट तो नहीं है, बट वो एसोसिएट करती है ना, तीन सलाइवरी ग्लैंड होती है, मैंने बताया कान के नीचे पेरोट है ना, पेरोटिड होती है, फिर एक जो पूरे चेहरे में एक ही हड्डी मूवेबल होती है, कौन सी, मैंडिबल, नीचे वाली, ये वाली, तो इसमें एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, है ना, सब मैंडिबुलर, और फिर जीभ के जस्ट नीचे एक सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पेरोटिड, ये तीनों ग्लैंड मिलकर सलाइवरी ग्लैंड बनाती है, तो ये भी पार्ट हो गया। बट एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है, किडनी में होती है, कहाँ पे होती है, अपनी जो किडनी होती है, किडनी के जो ऊपर के साइड जो ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, है ना, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एड्रिनलिन, है ना, करो या मरो वाला हार्मोन, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बताइए थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, वो आपको चूज करना है ना,
फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मलाशय में मल का जमाव तंत्रिका प्रतिवर्ती को प्रेरित कर मल त्याग करने की इच्छा उत्पन्न करता है। ठीक है, मलाशय में क्या होता है, मलाशय मल का जो जमाव होता है, फिकल एक्युमुलेशन इन द रेक्टम इनिशिएशन अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज फॉर इट्स रिमूवल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखिए, प्रवाहिका में भोजन का अवशोषण बढ़ जाता है ना, इन डायरिया, प्रवाहिका मतलब डायरिया, इन डायरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज इंक्रीज, है ना। सी ऑप्शन देखिए, अनियमित आंतरिक गतियों का कब्ज उत्पन्न करता है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट कॉज कॉन्स्टिपेशन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव, है ना, उपरोक्त सही। इसमें से कौन सा रॉन्ग है वो आपको चूज करना है, कौन सा रॉन्ग है ना, रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है वो आपको चूज करना है, करिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ना, स्टेटमेंट वाले उससे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या है कि आपका प्रॉपर, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ही आप करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन बताइए, राकेश थर्ड का बी बता रहे हैं, उमा कुमारी थर्ड का डी बोल रहे हैं, फिर जीवन मेघवाल बी बता रहे हैं, मुकेश मेघवाल बी बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप। मनीष गराशिया थर्ड का बी बता रहे हैं, मुकेश मेघवाल बी बोल रहे हैं, बताइए जल्दी से, आप कमेंट करते जाइए। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो है फिकल अकुमुलेशन, जो होता है वेस्ट, फिकल का मतलब वेस्ट, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अपन फिकल बोल रहे हैं। फिकल का अक्यूमुलेशन होता है कहाँ पे, रेक्टम में होता है ना, मलाशय में होता है, और उससे क्या होता है, न्यूरल, जैसे मलाश रेक्टम में जब फिकल पहुँच जाता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड पहुँच जाता है, तो उससे फिर मल त्याग की इच्छा पैदा होती है ना, रिफ्लेक्स कोजिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट है, ये वाला करेक्ट हो गया। चलिए फिर देखिए, इन डायरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज इंक्रीज, अभी अपन बात कर रहे हैं डायरिया की, डायरिया में क्या होता है, डायरिया में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वो कम हो जाता है, बढ़ता नहीं, कम होता है, इसीलिए तो फिर लिक्विड जैसा वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकलता है ना, तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, डिक्रीज होता तो करेक्ट होता है ना। फिर देखिए सी वाला देखिए, अनियमित आंतरिक गतियाँ कब्ज उत्पन्न, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जब आंत में जो गतियां होती है ना, जो अपनी लार्ज कॉलोन है या फिर छोटी आंत या बड़ी आंत, दोनों में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, उसकी वजह से कब्ज हो जाता है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट हो जाएगा, और डी तो है ही है, तो फिर राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए ऐसे ही। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आज के सेशन का, बताइए आपको बताना है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, और यह बहुत से कार्यों से संबंधित है, जो सही विकल्प नहीं है उसे चुने, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ठीक है, अब आपको चुनना है लीवर के रिगार्डिंग में कौन सा इनकरेक्ट है ना, बताइए। फर्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय है ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बताइए लीवर के रिगार्डिंग बताना आपको। बताइए लीवर के रिगार्डिंग, अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ का सी बता रहे हैं उमा कुमारी, जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। बताइए
राकेश भी सी बोल रहे हैं। राकेश रावत फोर्थ का सी बता रहे हैं, प्रिंस सी बता रहे हैं, राम फोर्थ का आंसर सी बता रहे हैं, फिर तबस्सुम सी बोल रहे हैं। ठीक है, मनीष गरासिया भी सी बोल रहे हैं। बताइए, जल्दी से कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, लीवर, जैसा कि अपने को पता है, लीवर जो होता है वो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी एसेसरी ग्लैंड है ना, सहायक ग्रंथि है कि जो डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बात भी सही है। और लीवर क्या रिलीज करता है, एक जूस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, है ना। बाइल जूस में क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो एलिमेंट होते हैं, याद रखिए, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय बिल्कुल सही है, लीवर जो होता है ना, बिलरुबिन और बिलीवर्डिन को रिलीज करता है और वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उपापचय में, तो फैट भी सही है, कार्बोहाइड्रेट भी सही है। फिर देखिए, थर्ड ऑप्शन है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड, है ना, ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो लीवर प्रोड्यूस नहीं करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल्स, स्टोमक में जी सेल्स होती है, कौन होता है, स्टोमक में जी सेल्स होती है ना, जी सेल्स होती है वो, और जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत वाला जो पार्ट होता है ना, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम ये रिलीज करता है। ठीक है, ये दोनों रिलीज करते हैं इसको, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन को, तो ये वाला हो गया रॉन्ग। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के सेशन का सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन पर आ गए हम, है ना। आर नाल की दीवार द्वारा निम्न में से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है, आपको बताना है। एलिमेंट्री जो केनाल है ना, उसकी दीवार के द्वारा कौन सा, उसकी वॉल के द्वारा कौन सा एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता है, सुक्रेज, सेल्यूलेज, लाइपेज या इन्वर्टेज, बताइए। सिक्स क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। राम क्या बोल रहे हैं, सर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड टाइम दिया करो ओनली। हाँ, 30 सेकंड का भी दे सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं, देखो मेरा पर्पस क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट हो ना वो भी आप प्रॉपर समझे। ऐसे मैं तो करवा दूंगा 30 सेकंड में, लेकिन फिर वो वैसे ही वो रट्टा मार पढ़ाई हो जाएगी। बट अगर आप कॉन्सेप्चुअल मतलब पढ़ाई क्वेश्चन भी हो रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, एक या दो तीन कॉन्सेप्ट अगर बता पाऊँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कम टाइम में आपकी ज़्यादा तैयारी हो रही है। तो आप क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो, मैं चाहता हूँ कि अच्छे क्वालिटी अच्छी हो, है ना। तो अभी आप क्वेश्चन कम ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए, सिक्स का आंसर बताइए। राकेश बी बता रहे हैं, प्रिंस दामा डी बोल रहे हैं, राम, राम सर डी बता रहे हैं, उमा कुमारी सिक्स का बी बोल रहे हैं, जीवन मेघवाल डी बता रहे हैं, शीला बरिया बी बता रहे हैं। सर पांच क्वेश्चन कहाँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं आया क्या, अच्छा चलो कोई नहीं, वो मिस हो गया होगा शायद, कोई बात नहीं, मिस हो गया वो, है ना, चलिए कोई बात नहीं। मोनिका यादव बी बता रहे हैं, नहीं हमें 30 सेकंड दिया।
चलिए बताइए जल्दी से। देखिए 30 सेकंड की बात नहीं, जिस जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा उसको तो मैं सीधा बता के आगे बढ़ जाएंगे, बट जिसमें कॉन्सेप्ट होगा वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज ही करेंगे अपन, ठीक है? ताकि आपकी तैयारी, मैं चाहता हूँ आपकी ओवरऑल तैयारी हो, ऐसे नहीं कि अपन जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे ही घास काट लें, वो नहीं चाहता हूँ मैं। प्रॉपर अपन तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, है ना? क्योंकि क्या है कि बहुत सारे बच्चे लेवल स्टैंड वाले भी है, रीट वाले भी है ना? तो सबके ओवरऑल हिसाब से ये बेस चल रहा है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है? चलिए देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सुक्रेज, सेल्युलेज, लाइपेज, इन्वर्टेज, है ना? ये एनिमल वाले हार्मोन है, ठीक है? सेल्युलोज जो होता है, सेल्युलेज जो होता है, ये प्लांट में होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? सिंपल है, तो ज़्यादा कुछ इसमें डीप नहीं है। बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेवन्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, है ना? फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या होगा, ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे अगर डाइजेस्टिव एंजाइम को रखा जाए, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जहाँ पे बर्फ जम जाती है ना, बर्फ, तो उसके नीचे अगर उनको रखेंगे तो क्या होगा वो एंजाइम? फर्स्ट ऑप्शन है अक्रिय हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे या अप्रभावित रहेंगे, आपको बताना है, ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे अगर डाइजेस्टिव एंजाइम को रखेंगे तो उनका क्या होगा? अक्रिय हो जाएंगे, सक्रिय रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे या अप्रभावित, बताइए। हाँ उमा कुमारी, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे अपन, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। अपना उद्देश्य कुछ सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि अल्टीमेटली आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, है ना? वो मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है। चाहे क्वेश्चन भले ही 10 करें, 15 करें, 20 करें, लेकिन अच्छे से करेंगे। बताइए सेवन का आंसर, राकेश ए बता रहे हैं, इनएक्टिवेट, राकेश ने चेंज कर दिया, सेवन का डी बोल रहे हैं वापस। मनीष गरसिया ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, राकेश रावत ड्यू टू इन साइबेरिया पीपल, क्या लिख रहे हैं? पूरा लिखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जीवन मेघवाल ए बता रहे हैं, मोनिका यादव ए बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इन माइनस, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है इसका आंसर, देखिए एंजाइम के बारे में, एंजाइम कोई भी हो, एंजाइम क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स को क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सस्पेंड हो जाएगी, वो रुक जाएगी, होगी ही नहीं, है ना? तो सिंपल है, वो एंजाइम अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रखेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है? इसीलिए तो जैसे हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, फ्रिज में खाना खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब खाना बाहर रखेंगे तो उस पर बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है? बैक्टीरिया और फंजाई उस पर आके पनपने लग जाएंगे और खाना जो है खराब हो जाता है, इसीलिए अपन फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर डाउन होता है उसमें, ठीक है? माइनस में होता है या फिर कम होता है ना? तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वो बैक्टीरिया और फंजाई है उनकी जो उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है या उनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो हो ही नहीं पाती है, इसलिए क्या होता है फूड खराब नहीं होता, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एट क्वेश्चन का आंसर बताइए, जब आमाशय में वसा होता है तो गैस्ट्रिन के स्त्राव में अवरुद्धता आ जाती है, क्योंकि, है ना? व्हेन फैट इज इन द स्टोमक द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन इज इनहिबिटेड, दिस इनहिबिशन इज ड्यू टू, है ना? जब आमाशय में जब फैट होती है तो गैस्ट्रिन के स्राव में अवरुद्धता, मतलब उसको रोक दिया जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ फैट, वसा उपस्थित कारण। दूसरा ऑप्शन है वेगस उद्दीपन नहीं देता है ना? वेगस जो नर्व होती है वो उद्दीपन नहीं देती है, या फिर स्लो डाइजेशन ऑफ फ्लेट फैट, वसा के धीमे पाचन के कारण, या फिर रिलीज ऑफ एंड्रोगेस्टिन, है ना?
एंड्रोगेस्टिन के स्त्राव कम होने के कारण, बताइए। 8th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जब आमाशय में है ना पेट में जब फैट आ जाती है तो फैट के टाइम में क्या होता है, गैस्ट्रिन का स्त्रावण रुक जाता है, कम हो जाता है, उसका कारण क्या है? उमा कुमारी सी बता रहे हैं, राकेश ए बोल रहे हैं, कमेंट करते जाएं आप। शीला सी बोल रहे हैं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाएं जल्दी से। मनीष गरासिया सी बोल रहे हैं, जीवन मेघवाल भी सी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट देखिए बोल रहे हैं कि आमाशय में वसा होती है ना, फैट आ गई तो गैस्ट्रिन का जो स्त्राव है वो रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? प्रेजेंस ऑफ फैट, फैट का तो है ही है, तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी, ये नहीं है ना। नॉन वेगस का उद्दीपन नहीं देता, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं है। फिर देखिए स्लो डाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है, फैट क्या होता है, फैट का डाइजेशन बिल्कुल स्लो चलता है ना, इतना फास्ट नहीं होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिलीज ऑफ एंट्रो, नहीं ये भी रॉन्ग है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 9th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव है ना, कोलिसिस्टोकाइनिन इज सिक्रीशन ऑफ, है ना, किसका सिक्रीशन है? फर्स्ट देखिए आमाशय का, जो कि अग्नाशय को अग्नाशयी रस के स्त्राव के लिए उद्दीपित करता है ना। फिर देखिए सेकंड है यकृत का कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है, सी ऑप्शन है, ड्यूडेनम तथा पित्ताशय को संकुचित करके पित्त को बाहर निष्कासित करता है, निकालता है ना, और डी ऑप्शन है, इलियम के गोबलेट कोशाओं से तथा सक्कस एंट्रिकस के स्राव को उद्दीपित करता है, बताइए कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव क्या करता है, आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए 9th क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। राकेश सर आपने माइक्रोब्स के एंजाइम मैंने ह्यूमन के एंजाइम्स, हाँ एंजाइम सबके सेम होते हैं राकेश, एंजाइम जो होते हैं सबके सेम ही होते हैं, एंजाइम क्या है, केमिकल्स है ना, चाहे ह्यूमन में ले लो चाहे बैक्टीरिया में ले लो, बात तो वही है ना, उनकी जो प्रोसेस होती है वैसे ही काम करेगा, ठीक है, यानी कि जो मैंने एग्जांपल दिया वो वही है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाला सेम है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आएगा तो वो ऑप्टिमम रेंज में ही आके ही वो परफॉर्म कर पाएंगे एंजाइम, एंजाइम को क्या है पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, चाहे बैक्टीरिया में हो चाहे ह्यूमन्स में हो, सबके लिए वो लागू होगा, है ना। चलिए बताइए, बिल्कुल बताइए 9th का आंसर आपको देना है। सी बता रहे राकेश, ठीक है, जल्दी से कमेंट करते जाइए, युमा कुमारी सी बोल रहे हैं।
तबस्सुम सी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट देखिए, कोलिसिस्टोकाइनिन के स्त्राव के बारे में पूछा है ना। आमाशय का जो कि अग्नाशय को अग्नाशी रस के स्त्राव के लिए उद्दीपित करता, आमाशय जो है वो अग्नाशय को उद्दीपित नहीं करता, तो ये वाला रोंग हो गया, ठीक है। फिर देखिए, यकृत का कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित तथा द्वितीयक लैंगिक, यकृत जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं होता है, रोंग हो गया। सी वाला देखिए, ड्यूडेनम एंड मेक्स द गॉल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट द रिली एंड रिलीज बाइल, बिल्कुल सही है ना। ड्यूडेनम में ये स्रावित होता है और ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है बाइल को रिलीज करवाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। सी इसका अभी तक लाइफ सही लग रहा है। फिर देखिए, इलियम के गॉबलेट कोशिकाओं तथा सक्कस एंट्रिकस के स्राव को उद्दीपित करता, नहीं ये बात रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर है ना, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए वेरी गुड। देखिए 10th क्वेश्चन आज के सेशन का, एंट्रोकाइनेज इज है ना, एंट्रोकाइनेज पाया जाता है किसमें पाया जाता है, बाइल जूस में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, पेनक्रेटिक जूस में पाया जाता है, या पेनक्रेटिक हार्मोन में पाया जाता है, बताइए। इंटेस्टाइनल जो जूस होता है वो किस में पाया जाता है, एंट्रोकाइनेज, सॉरी एंट्रोकाइनेज किस में पाया जाता है ना, एंट्रोकाइनेज बाइल जूस में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, पेनक्रेटिक जूस में पाया जाता है, या पेनक्रेटिक हार्मोन में पाया जाता है। टेंथ का सी, राकेश सी बता रहे हैं, पेनक्रेटिक जूस बोल रहे हैं। मनीष ग्रास्य सी बता रहे हैं, उमा कुमारी सी बोल रहे हैं, तबस्सुम बी बता रहे हैं, ऑलमोस्ट सब सी बता रहे हैं, एक ही आंसर अभी तबस्सुम का बी बोल रहे हैं, बाकी सब सी बता रहे हैं। चलिए कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कोई इसमें नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, बायो बायो या साइंस में जब भी आप पढ़ रहे हैं तो टर्मिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में होनी चाहिए। देखिए एंट्रो काइनेज है ना, एंट्रो वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन है ना, तो सिंपल है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड होगा, ठीक है। बाइल जूस, बाइल के तो लीवर से रिलेटेड होता है, इंटेस्टाइनल है ना, इंटेस्टाइन से रिलेटेड ही होगा, इंटेस्टाइनल जूस पेनक्रिया से रिलेटेड होगा, पेनक्रेटिक जूस और पेनक्रेटिक हार्मोन है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नहीं राकेश, बी इज करेक्ट आंसर है ना, एंट्रोकाइनेस जो होता है इंटेस्टाइनल जूस में होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 11th क्वेश्चन, विच इज अ डाइसेकेराइड है ना, निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड है, इसमें से डाइसेकेराइड आपको बताना है, गैलेक्टोज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज फ्रक्टोज माल्टोज या डेक्सट्रीन है ना, बताइए। मनीष सर सी, मनीष गैरसिया सी बता रहे हैं 11th का, विच इज डाइसेक्रेट है ना। बताइए जल्दी से, खुशी सी बता रहे हैं, राकेश सी बता रहे हैं, तबस्सुम ए बता रहे हैं, उमा कुमारी सी बोल रहे हैं,
कमेंट करते जाइए जल्दी से। जीवन मेघवाल सी बोल रहे हैं। आपको बताना है विच इज डाई सेकेराइड है, निम्न में से कौन सा डाई सेकेराइड है ना, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या डेक्सट्रीन, बताइए। ऑलमोस्ट सी बता रहे हैं, तबसुम ने ए बोला है, देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए एक हिंट बताता हूँ आपको, याद रखना मा सू ले, मासूल है डाइसेक्राइड, मासूल है डाइसेक्राइड, ठीक है डाइसेक्राइड, मासूल है डाइसेक्राइड, मा से माल्टोस, सुक्रोज और लेक्टोस है ना, माल्टोस सुक्रोज और लेक्टोस है ना, मासूल है डाइसेक्राइड होता है, ये तीन तो याद रखो, एग्जाम में मोस्टली यही पूछे जाते हैं, मासूल है डाइसेक्राइड। इसमें देखो माल्टोज एक आ गया ना, सी इज द करेक्ट आंसर है ना, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और डेक्सट्रिन ये क्या है, ये तो मोनोसेक्राइड है, ठीक है मोनोसेक्राइड है, ठीक है डाइसेक्राइड वो होती है जिसको तोड़ेंगे तो दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे अपने को, ठीक है तो मासूल है डाइसेक्राइड, ठीक है चलिए ध्यान रखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन आज का, बताइए इसमें आपको बताना है भोजन के उस प्रमुख अवयव का नाम लिखिए जिसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता है ना, इसमें से आपको ऐसा अवयव बताना है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट, प्रोटीन, विटामिन्स है ना, बताइए। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट, प्रोटीन, विटामिन्स, कौन सा ऐसा है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट तो होना ही चाहिए। हाँ तबस्सुम सी होगा है ना, तो 11 का 12 का अब अपन देख रहे हैं, कोई बात नहीं 12th का ए बता रहे हैं उमा कुमारी, कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, जीवन मेघवाल ए बता रहे हैं, राकेश रावत बी बता रहे हैं, मिनरल सॉल्ट बोल रहे हैं, बताइए। खुशी सी बता रहे हैं, प्रोटीन बोल रहे हैं सी, अभी तक खुशी ने बोला नहीं, जीवन मेघवाल ने बताया नहीं, वो तो 11th का बोला सॉरी, विटामिन कॉज डेफिशिएंसी, आपको ऐसे अवयव का नाम बताना है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, उसके बिना जीवित नहीं रह सकता है ना, कैन नॉट लिव, कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल सॉल्ट है, प्रोटीन है या विटामिन्स है, बताइए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट देखिए, देखिए इससे पहले एक चीज़ समझिए, कुछ अपने जो फूड में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसमें मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं, फर्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों मेन माने जाते हैं ना, है ना, और सहायक के रूप में कौन से होते हैं, सॉल्ट, ठीक है वाटर, विटामिन, ठीक है ये सारे, ये तीन सहायक हो जाएंगे, ये तीन मेन कंपोनेंट है, ठीक है अब इन तीनों में से भी अगर एक की एक का पूछे ना तो वो एक होगा प्रोटीन, क्यों, क्योंकि बॉडी में जितनी भी जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है उसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नया प्रोटीन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि नया प्रोटीन ही बनाएंगे तो बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की जो सस्टेनेबिलिटी वो नहीं रहेगी, ठीक है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर है ना, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है।
शरीर को जिंदा रखने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13, स्तनधारी जल पीते हैं वह करते हैं ना, मेमल्स में ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो गेट इट फ्रॉम, है ना, क्या करते हैं। ए ऑप्शन देखिए, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं। बी ऑप्शन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, लार का स्रावण करते हैं, या फिर सी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, या डी कंजर्वेशन कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इंटू हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में चेंज करते हैं। जल पीते हैं और करते हैं ना, पानी पीते हैं और उससे क्या करते हैं, चले बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थर्टीन का आपको बताना है। और आज लास्ट में आप सब ये कमेंट करके जाएंगे किसके 15 क्वेश्चन में से किस किस स्टूडेंट के कितने राइट हुए हैं ना। जैसे किसी के 10 करेक्ट हुए हैं तो आप ऐसे लिखिए 15/10, ठीक है। अगर 15 राइट हुआ तो 15/15, 14 हुए तो 15/14 ऐसे लिखना है ना। लास्ट में फीडबैक भी देना है और आपको ये चीज़ भी लिखनी है ना। बताइए 13 का आंसर आपको देना है। थर्टीन का सी बता रहे हैं राकेश, खुशी भी सी बता रहे हैं। जीवन मेघवाल सी बता रहे हैं। बताइए जल्दी से, कमेंट करते जाइए आप। थर्टीन क्वेश्चन देख रहे हैं हम। थर्टीन का आंसर आपको बताना है। स्तनधारी जल पीते हैं वह करते हैं ना, चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है ये, है ना, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है, वेरी गुड, सबका करेक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं 14, है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। देखिए आपको बताना है, लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं, लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं, आइलैंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, है ना, कहाँ पे होते हैं। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, इलियम यानी कि क्षुद्रांत्र में, इसोफेगस ग्रसिका में, या स्टोमक आमाशय में, बताइए। इलियम जो होता है छोटी आंत आंत का पार्ट होता है ना, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था DJI, आपको याद रखने का हिंट भी बताया था मैंने, DJI। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 होते हैं, CCR, CCR, है ना। जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं अटेंड करी है उनके लिए बता दूं वापस, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, है ना, इलियम वहाँ पे आया। देखो CCR का मतलब कॉलम सिकम रेक्टम, ये बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, कॉलम सिकम रेक्टम, CCR, ठीक है। इसोफेगस तो पता ही है, फूड पाइप जो होती है, ग्रास नाल, है ना, ग्रसिका भी बोलते हैं इसको, और पेनक्रियाज पता ही है, स्टोमक, बताइए। लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं। 14 का आंसर आ गया है। खुशी ए बता रहे हैं, पेनक्रियाज बोल रहे हैं, मनीष ए बता रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप जल्दी से।
ग्लाइकोजन इंसुलिन, हाँ उमा कुमारी बोल रहे हैं ग्लाइकोजन इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो दो हार्मोन रिलीज करवाए जाते हैं ये लेंगरेंस द्वीप द्वारा ही होते हैं, तबस्सुम ए बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। 14 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के सेशन का हम, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। लैंगरेंस द्वीप के बारे में पूछा है, कहाँ पे पाए जाते हैं ये। चलिए देखते हैं, लैंगरेंस जो द्वीप होते हैं वो पेनक्रियाज में पाए जाते हैं ना। पेनक्रियाज जो होता है अग्नाशय, है ना, असेसरी ग्लैंड जो है पेनक्रियास, ठीक है, इसोफेगस में नहीं होता है, ठीक है, और छोटी आंत में भी नहीं, स्टोमक में नहीं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ना। बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, थोड़ी देर पहले आया था लीवर। अगर पूछे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड तो थायरॉयड है, ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड थायरॉयड है। अगर सिर्फ क्वेश्चन आया विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर राइट हो जाएगा। और पूछा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, तो क्या होगा, थायराइड। और सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछे तो पीनियल होगा, है ना, दिमाग में जो होती है पीनियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन। देखिए आर्जिनेज एंजाइम उपस्थित होता है ना, एंजाइम जो है आर्जिनेज जो होता है वो कहाँ पे है, माउथ कैविटी, मुख गुहा में होता है, स्टोमक, आमाशय में होता है, इंटेस्टाइन, आंत्र में होता है, या लीवर, यकृत में होता है, बताइए। आर्जिनेज जो एंजाइम होता है वो कहाँ पे होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का आपको बताना है, आर्जिनेज एंजाइम कहाँ पे होता है। तबस्सुम का कमेंट आ गया, डी बता रहे हैं, वो लीवर बोल रहे हैं, राकेश रावत डी बता रहे हैं, लीवर बोल रहे हैं। उमा कुमारी ऑर्निथिन, ऑर्निथिन साइकिल बिल्कुल सही है, ऑर्निथिन साइकिल में इसका रोल होता है। खुशी कलाल 15 का डी बता रहे हैं, जल्दी से कमेंट करते जाएं और बताते जाएं इसका क्या आंसर राइट होगा। मनीष ग्रासिया डी बता रहे हैं, राकेश रावत आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन। ठीक है, कमेंट करते जाइए आप। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, आपको जल्दी से बताना है और इसके बाद आपको फीडबैक देना है और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप बता के जाए, है ना। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा बिल्डअप होगा, बूस्ट होगा, और आपको मज़ा भी आएगा कि आज इतने क्वेश्चन मैंने राइट करे, है ना। और इम्प्रूवमेंट करना, कोई बात नहीं, अगर आपके कम होते हैं इसको घबराना नहीं है, अपने को डे बाई डे इम्प्रूवमेंट करना है ना। चलिए, उमा कुमारी ओसी नॉर्निथिन साइकिल सिट्रुलिन, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए आर्जिनेज जो एंजाइम होता है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये क्या करता है, एक तो ऑर्निथिन होता है उसका प्रोडक्शन करवाता है, और जो अमोनिया होता है ना उसके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करवाता है ना, तो लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किस किस के कितने क्वेश्चन राइट हुए, है ना। आपको कैसे लिखना है, जैसे अपन लिखते हैं ना 10 में से 7 आए, है ना, तो आप ओब्ली ऐसे ही लिखेंगे कमेंट में। अगर आपके 15 में से अगर 14 राइट है तो 14 बाई 15, अगर 15 राइट है तो 15 बाई 15, 12 राइट है तो 12 बाई 15, है ना, ऐसे लिखेंगे। और क्लास के बारे में फीडबैक भी देना है आपको, कैसी लगी क्लास, है ना, जल्दी से आप फीडबैक दीजिए और कमेंट करिए। मैं देख रहा हूँ किसके कितने राइट हुए आज।
राकेश रावत सर 3 गलत है। कोई बात नहीं राकेश, इम्प्रूवमेंट करते रहना है अपने को, इम्प्रूवमेंट से ही आगे अपने को कंटिन्यूस अगर अपन पढ़ते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट अपने आप ही होगा, है ना। क्लास आपको लेनी है डेली। उमा कुमारी के 13 राइट हुए हैं, वेरी गुड उमा। राकेश के 12 हुए हैं, वेरी गुड। बताइए जल्दी से। वेलकम राकेश, थैंक यू उमा। बताइए, कमेंट करते जाइए आप। अगर कम हुए राइट कोई बात नहीं, अगर आपके 10 से बिलो भी अगर स्कोर आ रहा है, किसी के 7 या 6 5 जितने भी हुए बताते जाए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि अगर आप इवोल्यूशन नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही नहीं, है ना। इम्प्रूवमेंट के लिए पहले एक्सेप्टेंस करना होता है ना, कि भाई मेरे इतने आज अभी मेरा लेवल इतना है। अगर आप उस लेवल को मानेंगे ही नहीं तो फिर लेवल इम्प्रूव ही नहीं होगा, है ना। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, पहले आप एक्सेप्ट तो करिए कि भाई मेरा लेवल यहाँ पे है ना, तो ही इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही, कल वापस जुड़ेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ जुड़ेंगे और नए क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, ताकि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी तरीके से पक्की हो सके और आपका सिलेक्शन अंततः हो सके, है ना। यही मेरी मेन इन जो सेशन आप ले रहे हैं इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपका कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है। तो ऐसे आप बने रहिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं।